नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऑनर के स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों ऑनर इंडिया में एक काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड है, स्पेशली इसकी मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स की वजह से। तो दोस्तों अगर आप भी ऑनर के स्मार्टफोन्स को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 20,000 रुपये के बजट के अंदर ऑनर के कौन से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स आप खरीद सकते हो। दोस्तों लिस्ट में मैंने जिन स्मार्टफोन्स के बारे में बताया उनमें से कुछ स्मार्टफोन थोड़े पुराने हो गए हैं, और दोस्तों सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको किसी दूसरी कंपनी के स्मार्टफोन्स के बारे में जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोस के लिए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस 4 नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है ओनर 10 लाइट। दोस्तों यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जनवरी 20, 2019 को, जो थोड़ा पुराना हो गया लेकिन अभी भी अवेलेबल है, और अगर आपको इसके फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें डिस्प्ले दिया गया है 6.21 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एचडी डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉइस के साथ, और इसमें आपको रैम मिलता है 6GB का, इंटरनल स्टोरेज मिलता है 64GB का। इसके साथ इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB। इसके बाद इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है हाई सिलिकॉन किरिन 710 ऑक्टाकोर 2.2 GHz, जो दोस्तों एक पावरफुल प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है EMUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 9.0 Pie। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ 13+2 MP का ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो दोस्तों थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन आपको सामने की तरफ बहुत ही अच्छा कैमरा मिलता है, 24 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और स्मार्टफोन से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद इसमें आपको 3400 mAh की लिथियम पॉलीमर की एक अच्छी बैटरी मिलती है, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और भी अच्छे से सेंसर्स मिलते हैं। इसके बाद इसके नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको ड्यूअल सिम, ड्यूअल वोल्टी, वाईफाई, 4G एंड ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसका 6GB प्लस 64GB वेरियंट का प्राइस है 17,490 रुपये। इसके बाद 3 नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है ओनर 20i। दोस्तों यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जून 18, 2019 को, और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी थोड़ा पुराना हो गया लेकिन पिछले वाले स्मार्टफोन से इसमें आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले मिलता है 6.21 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एचडी डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। इसके बाद रैम मिलता है 4GB एंड इंटरनल स्टोरेज मिलता है 128GB। इसके साथ साथ इसके एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB, और इसमें भी आपको प्रोसेसर दिया गया है हाई सिलिकॉन किरिन 710 ऑक्टाकोर 2.2 GHz। इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है EMUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 9.0 Pie। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ 24+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, और आपको सामने की तरफ मिलता है 32 MP का सिंगल फ्रंट कैमरा, और इस स्मार्टफोन से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अभी 30 FPS पर। इसके बाद इसमें भी आपको 3400 mAh के लिथियम पॉलीमर की एक अच्छी बैटरी मिलती है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और भी अच्छे अच्छे सेंसर्स दिया गया है। इसके बाद नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको ड्यूअल सिम, ड्यूअल वोल्टी, वाईफाई, 4G और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसका 4GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 16,999 रुपये। गाइस 2 नंबर पर है ओनर 9X, और यह स्मार्टफोन इसी साल लॉन्च हुआ था जनवरी 19, 2020 को, और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले मिलता है 6.59 इंच फुल HD प्लस IPS एचडी डिस्प्ले, जो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है और एक अच्छी डिस्प्ले है। इसके बाद रैम मिलता है 6GB का, इंटरनल स्टोरेज मिलता है 128GB का। इसके साथ साथ इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB, और इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है हाई सिलिकॉन किरिन 710F ऑक्टाकोर 2.2 GHz। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है EMUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 9.0 Pie। इसमें आपको कैमरा मिलता है 48+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ, और सामने की तरफ आपको मिलता है 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा, और स्मार्टफोन से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अभी 30 FPS पर। इसके बाद इसमें भी आपको 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर की काफ़ी पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और भी अच्छे अच्छे सेंसर्स दिया गया है। इसके बाद नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको मिलता है ड्यूअल सिम, वाईफाई, 4G एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ और भी अच्छे अच्छे फीचर्स। और दोस्तों इसका 4GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 16,999 रुपये। गाइस 1 नंबर पर है ओनर 9X Pro, और यह स्मार्टफोन भी इसी साल लॉन्च हुआ था मई 20, 2020 को। अब इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें डिस्प्ले मिलता है 6.59 इंच फुल HD प्लस IPS एचडी डिस्प्ले। इसके बाद रैम मिलता है 6GB का, इंटरनल स्टोरेज मिलता है 256GB का। इसके साथ इसके एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB,
और इसमें आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जो है हाई सिलिकॉन किरिन 810 ऑक्टाकोर 2.6 GHz। ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है EMUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 9.0 पाई। कैमरे की बात करें तो इसमें भी आपको पीछे की तरफ 48+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और आपको सामने की तरफ मिलता है 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा। और इस स्मार्टफोन में भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अभी 30 FPS पर। इसके बाद इसमें भी आपको 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर की काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और भी अच्छे अच्छे सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको ड्यूएल सिम, ड्यूएल वोल्टी, वाईफाई, 4G एंड ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसका 6GB+256GB वेरिएंट का प्राइस है 17,999 रुपये। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना एंड और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।